पैदा हुआ है और आपके इस दृश्य को देखने के बाद अब तय हो गया है कि जो एबीपी न्यूज ने कहा है कि 300 के पार लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद होंगे और फिर से नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे आगरा के वीर सपूतों में आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में तार घर में आप लोग खड़े हुए हो, भगवान सूर्य उधर से देख रहे हैं। अटल जी ने 6 अप्रैल 1980 को कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिल गया है। अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं खानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की पंक्तियां लेकर के हम लोग चले हैं और नरेंद्र भाई मोदी ने भारत को बदला है, तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में वंदे मातरम का गान हो रहा है, भारत माता का जयकारा लग रहा है। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, आपको देखने के बाद यह महसूस हो गया है, इतने युवा अगर हमारे सबके साथ खड़े हैं तो कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकता है। मोदी जी भी है 1,98,58,85,520 वर्ष पहले सूरज पहली बार धरती पर आया था, सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,120